चलिए जी, दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह का 5 बज रहा है और मैं अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ अर्ली मॉर्निंग सेशंस पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरी बहुत छोटी डॉटर है और इट्स नॉट इजी कि जब आपका कोई छोटा बच्चा हो और आप पढ़ाई कर लो, तो मैं मॉर्निंग सेशंस प्रेफर करती हूँ। उसमें होता ये है, वो सो रही होती है और मैं अपनी अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ अराउंड 3 to 4 आवर्स। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टडी डेस्क सबसे पहले सही किया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आपका स्टडी स्पेस बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई, बिकॉज़ ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़रूरी होती है माइंड को एक किक देने के लिए। ये मेरे लिए तो बहुत वर्क करती है, तो आई मेक श्योर टू हैव अ ब्लैक कॉफ़ी अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे टू डू लिस्ट बहुत ही कन्वीनियंट हो जाती है, कि उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली रूटीन हो जाता है कि ये पढ़ना है, दीज आर द टारगेट्स फॉर द डे एंड आई हैव टू कंप्लीट इट। तो एक दिमाग में वो कंपटीशन चलता रहता है। तो आज मेरे को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, थ्योरीज पढ़नी थी। अच्छा हाँ, ये सब पढ़ाई मैं कुछ इंटरव्यूज़ के लिए कर रही हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, रिसर्चर हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और सबसे बड़ी बात तो मदर हूँ एक बहुत ही छोटी बच्ची की। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, इट्स नॉट ईजी, बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू डू एवरीथिंग इन अ रूटीन। तो एनीवेज, मैंने जैसे कि बताया, मैं स्कॉलर हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मेरे को आज कौटिल्य पढ़ना था। कौटिल्य बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने सोचा आज मैं फ्लैश कार्ड्स बना लूँ, क्योंकि मैं फ्लैश कार्ड्स ही प्रेफर करती हूँ या शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में। बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करने के बाद वो बहुत ईजी हो जाता है क्विक रिविज़न के लिए, कि लास्ट मोमेंट में आपको क्विक रिवीजन करना है, आपने अपने नोट्स उठाए, आपने पढ़ लिए, यू डोंट नीड टू कैरी सो मेनी बुक्स अराउंड ना। तो उसके बाद आपने अपने नोट्स से पढ़ लिए। तो इधर मैं अपना नोट्स ही बना रही हूँ, फिर एग्जाम्स या इंटरव्यूज से पहले बस उनको ही देखूँगी, सारी बुक्स को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स पढ़ चुकी हूँ। इतना सारा पढ़ने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, थोड़ा रेस्ट किया, फिर एक्सरसाइज के लिए गई। इट डजेंट मैटर आर यू वर्किंग और नॉट, यू आर अ होम मेकर और वर्किंग, इट डजेंट मैटर। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके स्केड्यूल में रोज़ के। एंड एक्सरसाइज के बाद आके मैं फ्रेशन अप हुई, एक क्विक बाथ लिया, और उसके बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। फिर मेरा ब्रेकफास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, मेरी फेवरेट मील ऑफ द डे है ब्रेकफास्ट। तो मेरा सारा दिमाग उसमें रहता है कि मैं क्या बनाऊँ आज, एक दिन पहले ही सोचना हो जाता है मुझे कि कल ये। लेकिन हाँ, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ मैं। आज तो मैंने सिंपल टोस्ट और वही ब्राउन ब्रेड और उस पर पीनट बटर लिया था और कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। आज थोड़ा सिंपल रखा था, क्योंकि आज का दिन बहुत हेक्टिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो बहुत ओवर हेक्टिक नहीं किया मैंने। अपनी कोल्ड कॉफ़ी वैसे भी मेरे लिए मस्ट हैव है दिन में किसी भी टाइम, तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में ले लिया और काफ़ी अच्छा रहा ये। और ब्रेकफास्ट करते करते मैं अपने फेवरेट कार्टून्स देख लेती हूँ। अभी भी स्टिल आई इन्जॉय वॉचिंग कार्टून्स वाइल स्टडिंग और हैविंग ब्रेकफास्ट और एनी मील, तो मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी एस्थेटिक और कोजी वाइब्स रहती हैं अगर पढ़ाई में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को आप ऐड कर दो, और इससे एक लाइवली इन्वायरमेंट रहता है। सो हेयर आई एम इन्जॉइंग माई ब्रेकफास्ट वाइल वॉचिंग दिस कार्टून, एंड यू कैन सी मैंने काफ़ी बोल दिया, मैं थक गई। अभी इस तरीके से मैं अपने ब्रेकफास्ट को करती हूँ, और उसके बाद प्लान भी करती हूँ दिमाग में कि मेरे को क्या करना है आगे के लिए। आज का दिन जैसे था, मुझे थ्योरीज पढ़नी थी बहुत सारी, फिर उसके बाद बाहर जाना था, कुछ ग्रोसरी करनी थी, ग्रोसरी लेने जाना था। और जब आप पढ़े होते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्नैकिंग करने का बहुत मन करता है, हर 2 मिनट में यू गेट हंग्री ना, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे अपनी कुछ ग्रोसरी को रीस्टॉक करना था, फिर मैं बाहर गई। बाहर आकर अभी तो ब्रेकफास्ट कर रही हूँ आप देख रहे हो, इसके बाद बाहर जाऊँगी। फिर आकर वापस मैंने पढ़ाई को स्विच करा, पढ़ाई शुरू कर दी, और बाकी की चीज़ें देखी कि क्या करना है पढ़ाई करते करते। और उसके बाद लंच का सोचा कि लंच में क्या बनाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं व्हेन यू आर अ वर्किंग वुमेन एंड आल्सो अ हाउस होल्ड लेडी। तो हर चीज़ें एक साथ अमलगमेटेड होती हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में। अच्छा, आप मेरे को बताना आपको मेरे रूम की वाइब्स कैसी लग रही हैं। अभी मैंने इसको डेकोरेट किया है और बहुत अंडर बजट किया है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली लुकिंग एस्थेटिक। और मेरे को ऐसा ही कुछ चाहिए था, क्योंकि मुझे अपना स्टडी स्पेस बहुत ही अच्छा चाहिए होता है, तभी मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। कितना भी बड़ा स्टडी स्पेस हो, आपको ऐसे ही रखना चाहिए। ये मेरा बालकनी का व्यू है, जो बहुत अमेजिंग है और मेरा मोस्ट फेवरेट वन है। लेकिन अभी स्टडी के बाद, अभी लंच में मैंने आज बनाया था पास्ता, चीज़ पास्ता,
एंड आज मैंने ग्रोसरी करने गई थी तो बताया था ना आपको, तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली, कुछ स्नैक्स लिए जो 90s के होंगे वो कनेक्ट कर सकेंगे। फिर मैंने आकर खाना बनाया था, सब्ज़ी रोटी और ये गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ की चटनी। देन यही सब था आज, और आई एंडेड माई डे विथ थम्सअप, दो आई डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक बट आज ले लिया।